हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेविफॉल टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट किन कंडीशन में यूज़ की जाती है, इसके क्या यूज़, डोज, वर्क, साइड इफेक्ट्स और क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो डेविफॉल टैबलेट है जी, लीफूड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। इसकी आपको एक स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी, जिनका जो प्राइस है जी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 65 रुपीस में मिल जाएगी। और इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें, इसमें ग्लाइकोलाइड जो कि 80 mg, मेटफॉर्मिन 500 mg इसमें ऐड किया गया है। जो 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बनी है। दोस्तों, फर्स्टली हम जानते हैं इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका क्या वर्क है। इसमें जो ग्लाइकोलाइड है, सल्फोनियल जूरेट ड्रग से बिलोंग करती है, जो कि पैंक्रीस के बीटा सेल्स होते हैं उनको इंसुलिन रिलीज करने में स्टिमुलेट करती है। सेकंड, इसमें जो मेटफॉर्मिन है जो विगोनाइट्रस ड्रग से बिलोंग करती है, जो प्लाज्मा ग्लूकोज को कम करती है और ये जो लीवर के द्वारा जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को भी कम करती है और जो बॉडी जो ग्लूकोज को ऑब्जर्व करती है उसको भी ये कम करती है। ये दोनों मेडिसिन अपना बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, इस टैबलेट का किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है, डॉक्टर पेशेंट को ये किन कंडीशन में प्रस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, जिन पेशेंट का टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस हो जाता है, मीनिंग जिन पेशेंट का ब्लड शुगर का लेवल डाइट और एक्सरसाइज करने से नहीं कम होता, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों, डायबिटिस टाइप 2 होता क्या है। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट के जो पैंक्रियास सेल्स के जो बीटा सेल्स होते हैं वो काम करना या तो बंद कर देते हैं या फिर काम करना कम कर देते हैं, जिससे इंसुलिन है वो सिक्रीट नहीं हो पाता और पेशेंट की जो बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज होता है वो भी एनर्जी में जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और जिससे पेशेंट को टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस हो जाता है। अब जानते हैं दोस्तों, टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस में पेशेंट में क्या सिम्टम्स जो के पाए जाते हैं। पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है, उसको थकावट रहती है, उसकी जो भूख है वो बढ़ती है, उसको बहुत ज़्यादा ही भूख लगती है और उसको बार बार प्यास लगती है, और या फिर उसको जो शुगर का पेशेंट है उसको ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है और उसके हाथों पैरों में झुंझनी सी होती रहती है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दोस्तों, इस टैबलेट को खाने से पेशेंट को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डिसीज और ब्लाइंडनेस के जो रिस्क होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। अब जानते हैं इस टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो पेशेंट में नौजिया मीनिंग मतली हो सकती है, उसको दस्त और उसके जो माउथ टेस्ट चेंजेस होते हैं और उसको पेट दर्द भी हो सकता है, सिर दर्द, स्किन रैशेस या फिर हाइपोग्लाइसीमिया मीनिंग ब्लड में शुगर का लेवल है वो कम हो सकता है। जी उस कंडीशन में ही होता है, अगर पेशेंट एक डायबिटीज़ की मेडिसिन के साथ अगर कोई और भी कोई डायबिटीज मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब जानते हैं दोस्तों, इस टैबलेट के क्या सेफ्टी एडवाइस हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस टैबलेट को लेने से पहले। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है किसी भी मेडिसिन से होती है तो अपने डॉक्टर को ये बात पहले बतानी चाहिए। और इस टैबलेट के साथ आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है और जो प्रेग्नेंट वूमेंस हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं वो भी अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही इसका यूज़ करें। और अगर पेशेंट को किडनी, लीवर या फिर किसी और तरह की उसको डिसीज़ है, थायराइड की है, तो अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री बता कर ही फिर इसका यूज़ करें, या फिर पेशेंट की रिसेंटली सर्जरी होने वाली है तो उस कंडीशन में भी इसका ना यूज़ करें। और दोस्तों, इस टैबलेट के साथ आपको रेगुलर लीवर और जो के शुगर टेस्ट है वो चेक करवाते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चलता रहे। और इस टैबलेट को खुद से ना यूज़ करें, अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज़ करें, बिकॉज डॉक्टर आपकी कंडीशन, आपको किस तरह की डायबिटीज़ है, आपको टाइप 1 है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपको जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं।
और दोस्तों डोज़ की बात करें तो इस टैबलेट की जो डोज़ है वो 1 टैबलेट डेली रहती है आपको, जो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद 1 टैबलेट लेनी होती है। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो ये टैबलेट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी डेबीफॉल टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।